यवतमाल जिले में मंगलवार को 18 से 44 उम्र वालों के लिए जोर शोर से शुरू किया गया टीकाकरण सत्र 24 घंटे के अंतर बंद होने से युवा वर्ग में नाराजगी फैली है। जबकि हकीकत ये है कि दूसरे डोज की प्रतीक्षा कर रहे हजारों लोगों के दूसरे टीकाकरण की अवधि समाप्त होने की कगार पर होने से जिलाधिकारी कार्यालय ने वैक्सीन आपूर्ति की किल्लत को देखते हुए 18 से 44 वर्ष उम्र वालों के टीकाकरण को प्रलंबित किया है। पेश है दिग्रह संवाददाता जुबेर खान की रिपोर्ट। इस घड़ी कोरोना संक्रमण का फैलता जाल देश और दुनिया के लिए सबसे जटिल चुनौती बन चुका है। इन दिनों अस्पताल में मरीजों, शमशानों में शवों और टीकाकरण केंद्रों पर टीका लेने उमड़ रही भीड़ का मंजर अब आम हो चुका है। जबकि अस्पतालों से लेकर टीकाकरण केंद्रों पर वैक्सीन, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर तथा दवाइयों की आपूर्ति सहित बुनियादी सुविधाओं की किल्लत थमने का नाम ही नहीं ले रही है। ऐसे में मंगलवार को राज्य भर में राज्य सरकार द्वारा जोर शोर से 18 से 44 उम्र वालों के लिए वैक्सीनेशन शुरू तो किया गया, लेकिन पहले डोज के लिए पर्याप्त वैक्सीन आपूर्ति में आ रही तकनीकी रुकावटों की बदौलत ब्रेक लग गया है। जबकि सूत्रों ने बताया है कि बीते कई दिनों से दूसरे डोज की प्रतीक्षा कर रहे 45 और 45 से ज्यादा उम्र वाले लोगों का डोज लेने का निर्धारित कालावधि समाप्त होने को है। सध्या स्थितीला सेकंड डोज चे लाभार्थी खूप जास्त असल्यामुळे तसेच वरिष्ठांचे आदेश आल्यामुळे असे ठरवण्यात आलेले आहे की दुसरा डोजेस ज्यांचे राहिलेले आहेत त्यांनाच फक्त लसीकरण करण्यात येईल। त्यामुळे पहिला डोज 45 वर्षाच्या वरील किंवा 18 ते 44 वर्षांच्या लाभार्थ्यांना जेव्हा वरिष्ठांच्या सूचना येतील तेव्हा देण्यात येतील। तोपर्यंत फक्त 45 वर्षाच्या वरील जे लाभार्थ्यांचा दुसरा डोज राहिलेला आहे त्यांनाच लसीकरण करण्यात येईल। वैक्सीन आपूर्ति की किल्लत तथा 45 से ज्यादा उम्र वाले लोगों के दूसरे डोज की समाप्ति होती समय अवधि के मद्देनजर यवतमाल जिलाधिकारी अमोल केड़के द्वारा सूचना जारी कर गुरुवार से जिले भर के टीकाकरण केंद्र पर 18 से 44 साल उम्र वालों का पहला डोज का टीकाकरण अगले आदेश तक रोका गया है। लंबे इंतजार के बाद युवाओं के लिए शुरू किया गया पहले डोज का टीकाकरण सत्र अचानक बंद होने से युवा वर्ग में जहां घोर निराशा है, वहीं वैक्सीन उत्पादन और आपूर्ति को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच तालमेल का अभाव खुल के सामने आ रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप लोगों पर वैक्सीन से वंचित रहने की नौबत आ गई है। वहीं प्रशासन को भी अब बड़े पैमाने पर लोगों की नाराजगी झेलनी पड़ रही है। बीसीएन न्यूज के लिए दिग्रह से जुबेर खान की रिपोर्ट।